मेरठ में नील की गली में स्थित ज्वेलरी शोरूम के कारीगर करोड़ों रुपए का सोना और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। उनकी आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली है। बाद में दोनों का मोबाइल फोन भी बंद हो गया। तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आपको बता दें, पूरा मामला मेरठ का है, जहां पर हल्दर नाम से ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी हो गई। आपको बता दें, शोरूम के मालिक ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले कोलकाता निवासी चिरंजीत और देवाशीष को काम पर रखा था। सारा कामकाज वही देख रहे थे। वहीं बुधवार को जेवर बनाने के लिए उनको काफी सोना दिया गया था। बाजार के अन्य व्यापारियों का भी उनके पास सोना था, कुछ के जेवर भी थे। देर शाम से उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। हालांकि बुधवार रात दोनों ने व्हाट्सएप के जरिए फोन पर बात की थी और किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए बताया था। साथ ही उन्होंने गुरुवार को लौटने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद गुरुवार शाम को व्यापारी देली गेट थाना पहुंचे और दोनों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं पीड़ितों ने बताया कि दोनों ही नील की गली में रहते थे। बुधवार रात को भी उन्होंने व्हाट्सएप पर बात की थी। इसके बाद से उनके बारे में पता नहीं चल रहा है। थाना प्रभारी का इस बाबत कहना है कि शराफ ने दोनों का ही वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। फरार आरोपियों के बारे में बाजार के अन्य कर्मचारियों से जानकारी ली जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जल्द ही उनको पकड़ में लिया जाएगा। जनहित टाइम्स के लिए मेरठ से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट।